हेलो एवरीवन, मैं मीसा आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है आईब्रो से रिलेटेड, जो कि लेडीज़ और गर्ल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊँगी परफेक्टली आईब्रो फिल करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि परफेक्ट तरीके से कैसे आईब्रो फिल करें, और वो काफ़ी भद्दे तरीके से आईब्रो फिल कर लेते हैं जिसके वजह से उनके मेकअप का पूरा सत्यानाश हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे मेकअप लगा हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मैं इतना लगाई हूँ जो आईब्रो फिल करूँ तो आपको परफेक्ट लुक दे सके। तो आप देख सकते हैं कि उतना ज़्यादा परफेक्ट अभी नहीं लग रहा है, और आईब्रो फिल करते हैं लुक कितना ज़्यादा खुल के आएगा ये आप देखिएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट, इसमें जेल आईलाइनर भी है और आईब्रो फिल करने का पाउडर फॉर्म में इसका प्रोडक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं ये स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट। तो हमें आईब्रो फिल करने के लिए एक ब्रश का इस्तेमाल करना है इसके साथ, और एक ख़ास बात का ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है वो ज़्यादा ब्लैक नहीं हो, क्योंकि ब्लैक होने की वजह से वो दिखने लगता है। तो आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर का है, तो आप जब भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि डार्क ब्लैक नहीं लें, वो लाइट होना चाहिए, ग्रेइश टाइप का उसका कलर आना चाहिए। तो ये ग्रे कलर का ही है, और आपको स्टार्ट करना है कभी भी मिडिल पार्ट से, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट से यहाँ से करोगे तो वो डार्क हो जाएगा, और हमें स्टार्टिंग में लाइट देना है ताकि वो नेचुरल लगे। और कभी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं लेना है, काफ़ी लाइट लेंगे। और ब्रश में जो हल्का सा बचा हुआ होता है उसको हम यहाँ से स्टार्टिंग से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं आईब्रो फिल करते हैं फेस कितना अट्रैक्टिव लगने लगा, और हमें यहाँ से ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ये लाइट ही होना चाहिए, ठीक है। ब्रश में जब भी प्रोडक्ट को ले तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो ताकि जो भी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं सही तरीके से फिल करने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, और बिल्कुल भी भद्दा नहीं लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हमने इसमें कलर लगाया है। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट क्या हो ये कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा हमसे, ताकि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकें, और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।